जिला मंडी के तहत कोटली उपमंडल खलाड़ू गांव में एक महिला अपनी दो बेटियों के साथ 13 वर्षों से गौशाला में जिंदगी बसर करने को मजबूर है। 47 साल की सरस्वती देवी बड़ी मुश्किल से घर को चला रही है, साथ ही दो बेटियों के पढ़ाई का खर्चा भी उठा रही है। सरस्वती की एक बेटी निवेदिता MA की पढ़ाई कर रही है और दूसरी बेटी सुमन ग्रेजुएशन कर रही है। बड़ी बेटी निवेदिता का कहना है कि माँ बड़ी मुश्किल से घर को चला रही है, परिवार BPL में भी शामिल है, लेकिन प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना का कोई लाभ उनको नहीं मिल रहा है। इस संदर्भ में उन्होंने पंचायत को भी आवेदन दिया है और DC मंडी से भी मदद की गुहार लगाई है। बता दी कि सरस्वती का मायका पनारसा में है। इस गांव में उसकी शादी राजकुमार से हुई थी, जिससे उनको दो बेटियां हैं। बीते 17 वर्षों से पति पत्नी अलग रह रहे हैं। पहले सरस्वती पति के पुराने घर में रहती थी, लेकिन बाद में वे ढह गया। इसके बाद उनको गौशाला में शरण लेनी पड़ी। ना तो इस परिवार के पास शौचालय है और ना ही नहाने के लिए बाथरूम। घर के बाहर पर्दों के सहारे से नहाने के लिए एक जगह बनाई गई है, जहां तीनों माँ बेटियां नहाने को मजबूर है। गौशाला में ही चूल्हा बनाया गया है और साथ ही सोने का बिस्तर भी लगा है।